नमस्कार, आप देख रहे हैं चंडीगढ़ से हमारी ये खास पेशकश। एक तरफ पवन बंसल है, एक तरफ लेडीज है। आप कहेंगे कहानी फिल्मी है, लेकिन आज तक ने ये फिल्मी कहानी आपको साल भर पहले दिखा दी थी जब रेल बजट की बारी आई थी, लेकिन इस दफा ये फिल्मी कहानी चुनावी मैदान में होने वाली है। पवन बंसल बस कुछ देर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। पहली बार ऐसा होगा कि जब उनके इर्द गिर्द इतने सारे सवाल उठे, वो जनता के बीच खुद आ रहे हैं। लेकिन मुकाबला किससे है चंडीगढ़ में, वो हम आपको बता देते हैं। तय अब हो चुका है, चुकी एक तरफ किरण खेर है जो कि बीजेपी की उम्मीदवार है। हालांकि जब पहुंची वो चंडीगढ़ तो यहां पर उन्हें काले झंडे दिखाए गए, अंडे फेंके गए उन पर, और काफी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ा अंदर बीजेपी दफ्तर में दाखिल होते होते भी। दूसरी तरफ है गुल पनाग। अभिनेत्री के तौर पर आप किरण खेर को भी जानते हैं, आप गुल पनाग को भी जानते हैं। गुल पनाग आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार है यहाँ पर, और वो उम्मीदवार इसलिए है क्योंकि सविता भट्टी अपना नाम पीछे हटा चुकी है, कह चुकी है कि मुझे कोई समर्थन ही नहीं मिल रहा था इसलिए मैं नहीं। और तीसरी भी एक महिला उम्मीदवार है, वो है बीएसपी की, जिनका नाम है जन्नत जहां। किस तरीके से ये लेडीज वर्सेस पवन बंसल होगा, आप तब तक देखिए। उतनी देर में पवन बंसल हमारे साथ जुड़ते हैं और हम यहाँ पर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। बीजेपी ने चंडीगढ़ से बॉलीवुड अभिनेत्री किरण को मैदान में उतारा तो विरोध शुरू हो गया, और जब किरण खेर प्रत्याशी चुने जाने के बाद चंडीगढ़ पहुंची तो काले झंडों और मुखालफत के बुलंद नारों से उनका स्वागत हुआ। ये बाहरी कैंडिडेट है, हमें बाहरी कैंडिडेट मंजूर नहीं है। अगर हमारे लोकल कैंडिडेट को टिकट मिलता तो हम सपोर्ट करेंगे, नहीं तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के ही ये कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर किरण खेर के आने का विरोध कर रहे हैं, और ये खुलेआम कह रहे हैं किरण खेर एक बाहरी उम्मीदवार है, लिहाजा हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता किरण खेर से नाराज हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई बाहर से उनके क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी चुना जाए। पार्टी कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ सीट पर तीन स्थानीय नेताओं संजय टंडन, हरमोहन सिंह और सत्यपाल जैन के लिए टिकट मांगा था, लेकिन बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने किरण खेर पर मोहर लगाई। बीजेपी से किरण खेर के नाम का ऐलान होते ही चंडीगढ़ में लेडीज वर्सेस पवन बंसल शुरू हो गया है। जी हाँ, कांग्रेस से पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल चुनाव मैदान में है, जबकि आम आदमी पार्टी ने बॉलीवुड अभिनेत्री गुल पनाग को टिकट दिया है, तो मायावती की पार्टी से जन्नत जहां चंडीगढ़ में अपनी दावेदारी पेश कर रही है। अब चंडीगढ़ में पवन बंसल की टक्कर तीन तीन महिलाओं से है। 16वीं लोकसभा में ये भी बड़ा ही दिलचस्प होगा कि पवन बंसल बाजी मारेंगे या फिर बाजी हारेंगे। चंडीगढ़ से सतेंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। चंडीगढ़ शहर यूं तो अपने बिंदास अंदाज के लिए जाना ही जाता है, दो दो राज्यों की राजधानी है ये, इसीलिए स्वरूप इसका अलग सा ही दिखता है। समस्याएं इस शहर की अपनी अलग सी है, अनूठी सी है। एक सांसद से उनकी अपेक्षाएं क्या होती हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब से हम जानेंगे। कई सारी महिलाएं भी हमारे साथ हैं क्योंकि एक तरफ महिला उम्मीदवार है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी के मौजूदा सांसद हैं, और उन सब के बीच है चंडीगढ़ शहर की अपनी आशाएं, अपनी अपेक्षाएं, और इन सब के बीच वो ढेरों सवाल जो हमारे आपके सबके जहन में उठते हैं। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि वो महिलाएं कौन कौन सी हैं, अपने डिंपल्स के लिए जानी जाती है, और ये लग रहा है कि क्या गालों के गड्ढे में इस बार विरोधी उम्मीदवार गिरेगा या नहीं गिरेगा, फंसेगा या उभरेगा। ये सवाल क्या सिर्फ उम्मीदवारों के किरदार को देखते हुए, उम्मीदवारों के कद को देखते हुए अहम है, या फिर इस लिहाज से भी कि पवन बंसल खुद अपने आखिरी दिनों में रेल मंत्री के तौर पर चंद बहुत ही संजीदा सवालों में घिरे थे। हम आपको बता देते हैं कि पवन बंसल इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पवन बंसल जैसे ही हमारे साथ मंच पर जुड़ते हैं, हम उनसे वो सवाल जवाब शुरू करेंगे। उम्मीद हमने की थी कि गुल पनाग हमारे साथ आएंगी, आखिरी वक्त पर वो मना कर गई, वो कह गई कि हम नहीं आ सकते हैं। किरण खेर आज सुबह ही पहुंची थी, विरोध संभाल नहीं पाई। हमारे साथ पवन बंसल यहाँ पर जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और जब तक वो अपना उनको माइक लगाया जाता है ताकि हम बातचीत अपनी शुरू कर सके, हम आपको एक बार फिर चंडीगढ़ शहर का पूरा हाल बता देते हैं, क्योंकि किरण खेर यहां पर आ रही थी। बात बीजेपी की लहर की होती है, नरेंद्र मोदी की लहर की होती है, लेकिन उस सब के बीच एक उम्मीदवार जब यहां पर आई तो ऐसी उम्मीदें बीजेपी के भीतर से उठी, ऐसी आवाजें उठी कि क्या किसी ऐसे शख्स को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए था जो कि चंडीगढ़ में काम कर रहा था, बीजेपी के लिए काम कर रहा था। कई सारे नाम इसमें उठे, लेकिन उन वो आवाज उस तरीके से नहीं उठे, आवाज उठी दूसरे।
पवन बंसल जी, पिछले साल आपको याद होगा कि आप रेल मंत्री थे, तब आज तक ने एक शो चलाया था लेडीज वर्सेस पवन बंसल। मैं खुद भी उस वक्त ट्रेन की सवारी करके आई थी और हमने देखा था कि ट्रेन में क्या क्या दिक्कतें हैं लोगों को। आपको उस वक्त एतराज था इस नाम पर, लेकिन आज देखिए किस्मत ने वहीं पर आपको खड़ा किया है कि आपके सामने लेडीज है और पवन बंसल सामने। मैं वर्सेस वाली बात को उस वक्त भी नहीं समझ पाया था, आज भी समझ नहीं पाया, क्योंकि मैंने उस वक्त कहा था कि मैं तो जो कदम उठा रहा हूं अपने मंत्रालय में वो महिलाओं के लिए उठा रहा हूं। हर जगह ये मिलने को आ रहा था कि शौचालय अच्छे नहीं, आपको याद होगा मैंने ये भी कहा था कि बाहर मुझे लड़कियों ने कहा कि कुछ क्यों अपने शौचालयों के लिए कुछ नहीं क्यों करते रेलवेज में, तो मैंने कहा उस चीज को प्राथमिकता देता हूँ, छोटी बातें हैं लेकिन मैं उसको ठीक करना है। महिलाओं के लिए सुरक्षा का इंतजाम सही नहीं है, तो उसके लिए भी मैंने कहा था, अगर मुझे याद है, अगर उस वक्त कहा था या आगे पीछे कहा था कि 8 कंपनीज महिलाओं के लिए नई बनाएंगे आरपीएफ की, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, और वो बनाने का हुक्म किया उस वक्त, आदेश दिए, क्योंकि मेरी एक प्रयास रहा है हर वक्त, समाज का एक बहुत अहम अंग महिलाएं हैं, 50% पूरे देश में हैं, और उनके लिए सब बातों के लिए इज्जत, उनकी कदर सब होनी चाहिए। इसलिए जो भी मैं कहीं भी हूँ, महिलाओं के लिए क्या किया जाए, और उसके लिए हमारे अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने, आज देखिए 3-3 महिलाएं आपके सामने खड़ी हैं आपको हराने के लिए यहाँ चंडीगढ़ से। नहीं, मैं समझता हूँ उस चीज में वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ की महिलाएं भी ये सोचेंगी कि पवन बांसल को लाने की जरूरत है वापस से। वो तो चुनाव के साथ पता चलेगा, क्योंकि करीब 50% आबादी नहीं है महिलाओं की, और नहीं दिक्कत ये है कि महिलाएं वोट बैंक की तरह वोट नहीं डालती हैं, नहीं तो यहाँ पर भी आपको शायद ये खुशी होती कि 3-3 महिलाएं हैं, वोट बैंक तो इन्हीं में आपस में बंट जाएगा। लेकिन खैर चलिए ये छोड़िए, हम अपने दर्शकों को बताएं कि जो आरोप लगे थे पवन बंसल पर, उसके बाद पहली बार वो जनता के बीच पहुंचे हैं। आपको मालूम है कि वो तीखे सवाल आपसे हो सकते हैं। पवन बंसल जी, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि रेलवे के साथ जुड़ी है, अगर हम चंडीगढ़ के उम्मीदवार के तौर पर आपको यहां पर देखें, हम भूल जाएं कि आप पूर्व रेल मंत्री थे, सांसद थे, चंडीगढ़ के साथ आपकी जो चीज जुड़ी है, सबसे पॉजिटिव बात यह है कि आपने चंडीगढ़ को कनेक्ट किया बाकी जगहों से। आज लोगों को सोचना नहीं पड़ता है कि हरमंदिर साहब वो कैसे जाएंगे, अमृतसर जाने के लिए सुबह ट्रेन है, शाम घर लौट सकते हैं वो, उनके पास जम्मू तक जाने की व्यवस्था है, बहुत सारी चीजें आपने की। लेकिन जो दाग सबसे बड़ा लगा वो भी इसी रेल मंत्रालय ने दिया। मैं ये समझता हूँ कि अब तक आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, जब ये बात उठी सामने उस वक्त तो शायद सभी वाजब थे कि उनको सब वाकयात का मालूम नहीं था कि जो किसी के मन में आता वो कहते रहते, और उस वक्त एक माहौल ऐसा था कि शायद मुझे चुप ही रहना था। पहली बार जब मेरे से पूछताछ की गई, इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे बुलाया गया, उस वक्त मुझे भी पता लगा सही मायने में दूसरी तरफ क्या है। जो मैं बात पहले कहता था, एक छोटी स्टेटमेंट मैंने शुरू में दी थी कि मेरा इस पूरे बात से कोई ताल्लुक नहीं है, रिश्तेदारी किसी एक से होना एक बात है, जो आप किसी ओहदे पे किसी सोसाइटी में आगे बढ़ते हैं आपकी वल्नरेबिलिटी उतनी बढ़ जाती है, लोग कहाँ आपका नाम कब इस्तेमाल कौन कर ले उसका आदमी को पता भी नहीं लगता, हो सकते इंसिडेंट्स, लेकिन उसका इस ढंग से मिनिस्टर पे पड़े वो भी मैं कुछ समय के लिए समझ सकता था, जिसके कारण उस वक्त मंत्रालय भी छोड़ा। लेकिन एक महीने के बाद भी आपको नहीं पता था कि इन्वेस्टिगेशन क्या हुई है, मेरे सामने मैंने रिकॉर्ड्स देख लिए हैं, मैंने वो जो ट्रांसक्रिप्ट हैं वो पढ़ ली हैं, सुन लिया है वहाँ उनके चर्चा क्या है। 2 महीने के बाद जब चार्जशीट पेश हो गई थी, सीबीआई एक प्रीमियर एजेंसी है देश भर में, जिसको कोई जरूरत होती है किसी और पे, मुझे ये बात कहनी होगी पूरी, उन पे गला होता है उनको, वो कहता है कि हम सीबीआई की इंक्वायरी चाहते हैं, किसी भी पार्टी को आप देख लीजिए वो सीबीआई की इंक्वायरी मांगते हैं। तो अगर सीबीआई ने इस बात में 2 महीने की पूरी गहरी एक इन्वेस्टिगेशन के बाद ये देखा कि मेरे खिलाफ एक शब्द भी नहीं है, एंड आइट ऑफ एविडेंस डिड नॉट सर्फेस अगेंस्ट मी, तो उन्होंने चार्जशीट में मेरा नाम नहीं लिखा बल्कि मुझे प्रोसिक्यूशन विटनेस बनाया। को पिंजरे का तोता भी तो कहा जाता है फिर। प्रोसिक्यूशन विटनेस बनाया। हाँ। यही मैं बात आपका आगे जवाब देना चाहूँ। हाँ। यही कल मैंने पहले कह दिया कि तोता जो मर्जी है जब आए तब कह देंगे। हाँ। बीजेपी के लिए अगर अमित शाह को छोड़ दिया तो सीबीआई अच्छा है। हाँ। सीबीआई ने अगर रेड कर लिया मिनिस्टर के नेव्यू पे तो सीबीआई अच्छा है। हाँ। अगर सीबीआई ने उसके सारी चीज के बाद देखा कि मंत्री के खिलाफ कुछ नहीं तो सीबीआई बुरी हो गई, चलिए मान लीजिए फॉर अ मोमेंट। किसी ने कोर्ट में केस डाल दिया कि पवन बंसल को गलत छोड़ दिया था। हाँ। उसी कोर्ट ने, सीबीआई कोर्ट ने ये कहा है कि सीबीआई ने तो इन्वेस्टिगेशन की थी, उसकी कॉग्निजेंस, उसका संज्ञान तो मैंने लिया है, और कोर्ट जुडिशरी किसी की केस्ड पैरेट नहीं है, जो शब्द आपने कहे हैं। हाँ। शायद आपको मालूम नहीं इस बात का, अगर शायद मालूम होता तो आप ये शायद सवाल ना करती। हाँ।
कोर्ट ने ये कहा है 10 तारीख को, ये 10 मार्च को ही, कि जुडिशरी किसी की बंद पिंजरे का तोता नहीं है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और हम मैंने कॉग्निजेंस लिया है। इसका मतलब क्या है, सरासर सीधा सब कुछ खत्म होने के बाद भी अगर आज कोई बात करता हूं, मैंने 4 दिन पहले कहा था कि एक सस्टेन्ड कैंपेन ऑफ मेंडेशियस कैंपेन, एक जानबूझ के एक योजनाबद्ध तरीके से लगातार उसको आप लगे रहेंगे 10 महीने, जबकि मैं समझता हूं कि आज के दिन इसका जिक्र करना कोई भी करे वो एक डेफोमेशन है। लेकिन मैं वो भी नहीं कहता, क्योंकि मैंने फिर ये कहा था कि जिस मौके पे भी किसी आदमी के खिलाफ कोई शब्द आ जाए मीडिया में जो उसकी रेपुटेशन पे असर डाल सकता है, जो मेरी पे डाला इसने 40 साल की जो रेपुटेशन बनाई थी उस पे असर डाल सकता है, उसी का वक्त ट्रॉमा, ही गेट्स इनटू अ ट्रॉमा एंड लोग ही बोलते हैं तिवारी का वो बयान नहीं समझ में आता है। अब पहले उस बात को, लेकिन जब दर्शकों के बीच में जाते हैं, दर्शकों के बीच लोगों के जी, हम इसीलिए अभी एक ब्रेक का वक्त हो चला है, हमने कुछ वक्त खो दिया क्योंकि देरी हो गई थी आपको आने में, लोगों के बीच हम हैं। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम जानेंगे कि चंडीगढ़ की जनता ने क्या वाकई ऐसा माना है कि पवन बंसल गलत है, क्या उन पर लगे दाग उन्हें दोषी साबित करते हैं, या फिर कोर्ट ने जो कह दिया है उसकी वजह से आज पवन बंसल एक बार फिर उनके दिल में है। 3 बार से चुनाव यहाँ पर जीत चुके हैं, 4 बार कुल जीता है। लेकिन देखिए जो महिला कैंडिडेट्स सामने, किरण खेर एक तरफ, यहीं पे बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं, वो किरण खेर मुर्दाबाद, किरण खेर वापस जाओ, बीजेपी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं बाहरी कैंडिडेट होने की वजह से। दूसरी तरफ गुल पनाह को कोशिश हमने की थी बुलाने की, आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई आने को यहां पर तैयार नहीं हुआ। लेकिन खैर पवन बंसल जी हैं और लेडीज का सामना बाद में करेंगे, यहां पर चंडीगढ़ की जनता का सामना पहले कर रहे हैं। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ यहां पर ऑडियंस के बीच है। सत्येंद्र, हम चाहेंगे जल्दी जल्दी आप सवाल लेकर, बिल्कुल, क्योंकि अब जो फैसला आने वाला है वो जनता की अदालत का फैसला होगा। आपसे सवाल ये है कि पवन बंसल जी पर जो आरोप लगे उन आरोपों को आप कैसे देखते हो, उनको दोषी मानते हो, क्या मानते हो? देखिए चंडीगढ़ एक पढ़े लिखे लोगों का शहर है और इस तरह का मलेशियस और स्लेंडरस कैंपेन एक साफ सुथरी छवि के आदमी के खिलाफ चलाना सचमुच में बहुत निंदनीय है। जब देश की एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दी है, उसके बाद अदालत में ये मामला लेकर ऑपोजिशन के लोग गए, उसके अंदर भी अदालत ने आप उन्हें दोषी नहीं मानते? सारे लोगों को क्या जो यहां पर मौजूद है उनको लगता है कि पवन बंसल को कोर्ट से क्लीन चिट मिली है, आपके दिलों से क्लीन चिट मिल रही है लेडीज की तरफ? बिल्कुल 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 श्वेता, और दिलचस्प श्वेता, लेडीज बिल्कुल श्वेता, दिलचस्प वाक्य है कि पवन बंसल जी के खिलाफ सारी महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं और यहाँ पे भी महिलाएं बैठी हुई हैं। आप ये बताइए, आप खुद महिलाएं हैं और बंसल जी के खिलाफ 3 महिला चुनाव लड़ रही हैं, आप किसको चुनेंगी और क्यों? मैं बंसल साहब को चुनूंगी और मैं बंसल साहब से एक क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगी कि पिछले दिनों जो यहाँ पे महिलाओं की असुरक्षा हुई है चंडीगढ़ में और खासकर उसमें कुछ पुलिस वाले भी इन्वॉल्व थे, उसके बारे में आपने क्या कदम उठाए हैं? बहुत ही वाजिब सवाल है बंसल जी, इस सवाल का पूरा देश भी इंतजार कर रहा है, तो जवाब आप ही दीजिए, क्योंकि चंडीगढ़ में अमूमन समस्याएं कम दिखती है। ये बिल्कुल एक बहुत अहम और गंभीर मसले की तरफ उन्होंने हमारे सभी का ध्यान आकर्षित किया है। जब चंडीगढ़ में ये हुआ था तो एकदम जब पता लगा मुझे, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये बात एकदम भी तफ्तीश में देरी नहीं होनी चाहिए, उसमें एकदम जोर दिया और आगे के लिए आप क्या सिस्टम इन प्लेस करते हो कि चंडीगढ़ में कोई वाकयात ना हो किसी ढंग का भी महिलाओं के खिलाफ, खास तौर पे इस पे, क्योंकि छोटी जगह है, पढ़े लिखे अच्छे लोगों का शहर है, यहाँ तो बिल्कुल भी अगर एक भी कोई वाकयात ऐसा होता है हमारे लिए शर्मनाक बात है। और ये बात मैंने इन नो अनसर्टेन टर्म्स ये एडमिनिस्ट्रेशन तक को पहुंचाई थी और उनके हर ऑफिसर के लेवल पे आईजी और एडवाइजर तक बात करके उनको कहा कि ये चीज़ें यहाँ रिपीट नहीं होनी चाहिए, यू पुट इन प्लेस द राइट थिंग, यहाँ मैं समझता हूँ कि आंतरिक सुरक्षा के लिए, लोगों के हिफाजत के लिए कदम ठीक उठाए जा रहे हैं और उठाए गए हैं। पवन बंसल जी, आपको लगता है कि आपके सामने बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को, खूबसूरत महिलाओं को खड़ा कर दिया गया है, आपके विरोध भी जा सकते? मैं क्या समझता हूँ कि पहले मैं मामूली सा जो मेरा विचार है एक्टिंग के लिए कहूँ, फिर उसको अपने दूसरी तरफ लेके आऊँगा। जो एक्टिंग का है प्रोफेशन बहुत मुश्किल है, जो एक एक्टर होता है वो सच्चाई का पुजारी होता है और उसको अपनी कला का माहिर होता है और ये करने के लिए, माहिर बनने के लिए उसको बहुत लंबा समय लगाना पड़ता है, निरंतर तौर पे मेहनत करके दिन रात कितने मुश्किल से वो निकलते हैं, वो सब मुश्किलों के बाद जाके कहीं एक्टर का नाम बनता है, एकदम सभी एक्टर नहीं बन जाते और उसके साथ साथ उनको
सिर्फ टेक्स्ट का ही नहीं, सब टेक्स्ट का भी पता होना चाहिए। और यही बात राजनीति में पब्लिक लाइफ में आती है। यहाँ भी बहुत लंबी मेहनत करनी पड़ती है। एक जगह नाम ऊंचा हो जाए फिल्म वर्ल्ड में, वहाँ वाली मेहनत यहाँ एकदम कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ आपको जानने की जरूरत है। नहीं, खिलाड़ी कच्चा नहीं मैं किसी को मानता। मैं समझता हूँ जो आदमी रेस में दौड़ता है वो उसको आगे ही देखना चाहिए, दौड़ते रहना चाहिए। बारे में कह दिया, पूछा गया था उनसे तो उन्होंने इंटरव्यू में कह दिया कि भाई मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है लेकिन युवाओं के लिए जगह बनानी चाहिए। ये तो आपके लिए रास्ता आसान कर रहे हैं। हम लोग भी यही कह रहे हैं सारे, होना बनता है। आहिस्ता आहिस्ता देखिए कांग्रेस की लिस्ट में कितने पड़े हैं। मैंने भी जाना है एक दिन, सब जाएंगे, युवा आएंगे, ये तो रहता है। मैं भी जब आया था, मैं भी युवा था जी। ये जो हम शोर यहाँ से सुन रहे हैं बार बार, जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच गए हैं और वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, ये आउटसाइडर का मसला आप भी उठा रहे हैं, उन दोनों पार्टियों के भीतर से भी उठ रहा है। सविता भट्टी को अपना नाम पीछे लेना पड़ा कि मैं तो लड़ूंगी ही नहीं। गुल पनाह गई है, उनके इर्द गिर्द कोई कार्यकर्ता नजर नहीं आता है। किरण खेर जब से एयरपोर्ट से आई है यही सामना कर रही है। देखिए हमारे शो के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। तो आपके लिए रास्ता आसान होते जा रहा है? मैं इससे अपना रास्ता आसान नहीं समझता, ये अलग बात है। हमें अपनी लड़ाई अपने सिद्धांतों पे, अपनी नीतियों पे, उन पे लड़नी है, और जो मेरा काम है चंडीगढ़ के लिए उसे लड़नी है। ये उनका आंतरिक मसला है, उसके मेरे को बिल्कुल कतई नहीं कि उनका क्या है, मेरा उसे कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो आपको वो कह रहा था कि जो हाउ डू आई लुक एट दी यू नो फेसिंग दी एक्ट्रेसेस, तो जैसे मैं कह रहा था उन्होंने मेहनत के साथ किया है, ऐसे यहाँ भी वर्षों के वर्षों निकल जाते हैं। और सब टेक्स्ट को तो पहले सीखना चाहिए, बाद में टेक्स्ट की बात आती है। यहाँ तो अभी सब टेक्स्ट के नहीं उस पे पहुंचे। लेकिन क्या सत्येंद्र बताओ हमारे गांव कौन सा गांव कहाँ है, कौन सी कॉलोनी कहाँ है? नहीं, लेकिन किरण खेर ने इस चीज के बारे में अभी कुछ देर पहले ये कहा कि मुझे सारी चीजों के बारे में मालूम है। और उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, आप कह रहे हैं कि अदालत से बरी हो गए हैं लेकिन विरोधी आपके उम्मीद ये मुद्दा जो है वो उठाएंगे। वो कहती है इट इज बेटर टू बी अ क्लीन आउटसाइडर दैन अ भ्रष्ट इनसाइडर। ये उनके शब्द हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में अभी कहा। अगर वो इस चीज का इस्तेमाल करती हैं, फिलहाल मैं इस पे चुप रहना चाहूंगा। मुझे सिर्फ यही है कि ना जाने लोग कैसे दिल बहलाने लगे जो खुद नहीं समझे औरों को समझाने लगे। सत्येंद्र मैं चाहूंगी कि यहाँ पर अगर लोगों में से कोई ये बताए कि दो एक्ट्रेसेस सामने आ रही है, क्या उन्हें देखने जाएंगे?